गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 में आप पार्ट 11 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 12 इसमें आपको जो मैं लिखा रहा हूं वो नोट्स है, नोट्स याद करिए। आप लोग इस पैराग्राफ का लिख रहे थे, संस्कृत साहित्यम .. अनुशीलन संजयंते, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं आपको एक पंक्ति का हिंदी अनुवाद संदर्भ में पूर्व लिखा दिया था, आपको बताया था कि पूर्व इसलिए लिखा दे रहा हूँ, बार बार आप उसको न लिखे, एक बार ऊपर आपने लिख दिया है। अब ये भी आपको बताया था कि बोर्ड परीक्षा में आप न जाके वहाँ पूर्व लिख दीजिएगा, वहाँ पूरा संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है, कोई नहीं। हिंदी अनुवाद 5 नंबर का हिंदी अनुवाद, 2 नंबर का संदर्भ, संकेत कोई नहीं मिलेगा, मैं सोचना कि फ्री नंबर मिल जाएगा। हिंदी अनुवाद में आपने एक पंक्ति का लिखा था, कहाँ तक लिखा था कि संस्कृत का साहित्य सरल और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, और भी आगे लिखे हैं, इसका गद्य और पद सुंदर, भाव को उत्पन्न करने में समर्थ, अद्वितीय और सुनने में मधुर है। क्लियर हो गया, यहां तक आपने नोट्स बना लिया है। अब इसी कड़ी में आगे लिखिए, लिखिए ब्लू पेन, ब्लैक की भी आवश्यकता है नहीं, ब्लू पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। बोले चलिए, क्योंकि बहुत से चरित्र निर्माण जैसी, क्योंकि बहुत से चरित्र निर्माण जैसी सुंदर प्रेरणा सुंदर प्रेरणा संस्कृत भाषा प्रदान करती है, संस्कृत भाषा प्रदान करती है, वैसी कोई अन्य भाषा, कोई अन्य भाषा प्रदान नहीं करती है, कोई अन्य भाषा प्रदान नहीं करती है। पूर्व विराम लगा लीजिए, आगे लिखिए, मनुष्यों के मूलभूत गुणों की जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्य में है, वैसी, अब आपको अपने सब जोड़ना पड़ेगा, वैसी व्याख्या अन्य भाषाओं में नहीं है, वैसी व्याख्या अन्य भाषाओं में नहीं है। ये तो हमने आपको समझने के लिए और बढ़िया जोड़ दिया, और बढ़िया अनुवाद हो गया, जबकि आपको लिखना केवल इतना ही था, तो वो लिख सकते हैं, संस्कृत साहित्य में है, अन्यत्र यानी और कहीं अन्य नहीं, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है बच्चों,
इसलिए आपने पूरा लिख दिया। पूर्ण विराम लगाइए। दया, कॉमा लगाते जाइएगा, दया कॉमा दान कॉमा पवित्रता, पवित्रता कॉमा उदारता कॉमा क्रोध न करना कॉमा क्षमा और कॉमा न लगाइएगा और अन्य अनेक गुण और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के किस साहित्य संस्कृत साहित्य इस साहित्य के पालन करने से ही प्राप्त होते हैं। इस साहित्य के पालन करने से ही प्राप्त होते हैं। हो गया, एक लाइन छोड़ दीजिए, एक पंक्ति छोड़िए और नीचे हेडिंग डालिए संकेत, ब्लैक पेन से एक पंक्ति छोड़ के नीचे हेडिंग डालिए संकेत ब्लैक पेन से। और संकेत में लिखिए, संकेत में लिखिए संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य एक ही में संस्कृत साहित्य आदि कवि आदि कवि डॉट 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 प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति पूर्णविराम इनवर्टेड कॉमा बंद। संकेत हो गया, संकेत में लिख लीजिए संस्कृत साहित्य आदि कवि डॉट 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 प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति पूर्ण विराम लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। नीचे फिर हेडिंग डालिए संदर्भ, संदर्भ हेडिंग डालिए और लिख दीजिए पूर्ववत, पूर्ववत। फिर एक लाइन छोड़िए, नीचे हेडिंग डाल दीजिए हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। जरा तेज लिखिएगा, तेज लिखिए, इसको आज पूरा कर देते हैं ये चैप्टर को, अगले चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। हो गया हिंदी अनुवाद बच्चों, हेडिंग डाल लिया। अब आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। मैंने आपको बताया था ना कि उस पंक्ति को छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू करिए। जल्दी करिए, आज पूरा करना है इसको। बोले लिखिए संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्य के आदि कवि, आदि माने प्राचीन, आदि कवि फिर पहुंच जाइए बोर्ड एग्जाम में। हमने आपको बताया था ना कि
पिछली बार पिछले क्लास में जब अनुवाद बता रहा था पढ़ाया था आपको ना कि अशुद्ध आता है ना, अशुद्ध शब्द आते हैं, तो अगर आपने देख लिया ठीक है तो देख ही लिया होगा। देखो वाल्मीकि यह सही है, ये शुद्ध होता है वाल्मीकि, और अगर आपको नहीं आता तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वाल्मीकि, और तमाम तरह से लिखते हैं आप, लेकिन चूंकि ये गलत है ये वाल्मीकि। आगे लिखिए उसी में, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि कमा महर्षि व्यास। किताब रख लीजिए सम्मुख, अपने सामने किताब रख लीजिए तो आपको और आसानी होगी। कवि कुल गुरु कालिदास नहीं होता है, कालिदास, और अन्य आगे लिखिए भारवी भावभूत कमा लगा के भावभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्न से आज भी पाठकों, अगर पाठकों न समझ में आवे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए पढ़ने वाले लोगों कोष्ठक बंद के हृदय में विराजते हैं, पढ़ने वालों के हृदय में विराजते हैं, पाठकों के हृदय में विराजते हैं। पूर्ण यह भाषा कौन सी भाषा, हाँ संस्कृत, यह भाषा हमारी माता के समान, यह भाषा हमारी माता के समान, बच्चों किताब में देखो दो शब्द दिया है कि सम्माननीय और वंदनीय। चूंकि देखो अगर मैं केवल ये लिख दूं सम्माननीय लिख दिया, फिर लिख दूं वंदनीय, है ना, ये दोनों शब्द किस लिंग में आ जाएंगे, पुलिंग में। सम्माननीय और वंदनीय ये दोनों पुलिंग है, लेकिन चूंकि संस्कृत एक भाषा है और संस्कृत जो है यह भाषा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसलिए आप इसका स्त्रीलिंग जब बनाएंगे ये हो जाएगा सम्माननीय और नीचे क्या हो जाएगा वंदनीय, ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग।
स्त्री, लेकिन चूंकि सीधे सीधे लोग लिख देते हैं कि माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, जबकि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता कमा गौरव कमा अखंडता को तथा सांस्कृतिक एकता को भी सांस्कृतिक एकता को भी संस्कृत ने ही सुरक्षित रखे हुए हैं, नहीं, संस्कृत ने ही सुरक्षित रखा हुआ है। पूर्ण विराम लास्ट। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। हो गया पूरा चैप्टर, पढ़ लिया, हिंदी अनुवाद लिख लिया, बढ़िया से खूब इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड का है, सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो निश्चित रूप से सारे चैप्टर को आपको बहुत बारीकियों से आना चाहिए। कोई दिक्कत हो, आपको बार बार कहते हैं कि जो आपके वीडियो, ये वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाता है, जो क्लास टीचर आपको भेजते हैं, आप उसमें लिख के भेज सकते हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है उसको जरूर आप दिखाया करिए, तभी तो सब्जेक्ट टीचर समझ पाएगा ना कि हाँ बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। समझ गए मेरी बात बच्चों? बस आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपको दूसरा जो चैप्टर है वह है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये आपका दूसरा चैप्टर है। किसी किसी किताब मैंने कहा था कि ये पहला है, संस्कृत भाषा दूसरा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप मान लीजिए आपका पहला ही चल रहा है, किसी का दूसरा चल रहा है, किसी का पहला चल रहा है, स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप किताब लेकर बैठेंगे और इस कॉपी को, ये हिंदी की कॉपी, अभी आपके क्लास टीचर से यह मैसेज भिजवा कर आपकी कॉपी मंगाई जाएगी, अगर जो बच्चे यहाँ होंगे नज़दीक में होंगे आप दे देंगे, नहीं जब स्कूल खुलेगा तो पूरा आपको देखा जाएगा। लिखते जाइए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है।